झाबुआ में कंटेनमेंट एरिया को सील करने के नियम को लेकर झाबुआ जिले में पशुपेश की स्थिति बनी हुई है। हम बात करेंगे वरदान हॉस्पिटल की, जहां सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि एक व्यक्ति 3 दिनों से वरदान हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती था, वहीं उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती है। वहीं रिपोर्ट मिलने के बाद में वरदान हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट को क्वारंटीन क्षेत्र भेज दिया जाता है और एक रूम को बंद कर दिया गया। ऐसे में प्रशासन पर सवाल उठता है कि एक रूम बंद करने का निर्णय कहाँ तक उचित है। अगर पेशेंट भर्ती था तो उसको इलाज करने के दौरान नर्स, डॉक्टर, सफाई कर्मी उनके संपर्क में रहे होंगे और ऐसे में पूरे अस्पताल को सील ना कर एक रूम को सील या बंद करना निश्चित ही अनुचित होगा। कितने लोग हमने डिटेल लिया है, उनको होम क्वारंटाइन के निर्देश देंगे और कोई ऐसा कोई सिम्टम डेवलप होगा तो उसका जांच की जाएगी और 5 से 7 बजे दिन के अंदर हम उनसे जो फर्स्ट कांटेक्ट में आए हैं, वैसे तो यहाँ के स्टाफ हैं अपना प्रॉपर वो प्रिकॉशन लेके ही काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम प्रिकॉशन के तौर पे उनका सैंपलिंग करेंगे या कोई सिम्टम डेवलप होगा तो और सैंपल लेंगे। ठीक है, शासन ने गाइडलाइन दी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में फीवर से रिलेटेड मरीज नहीं देखे जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं कि देखा ही नहीं जाए, देखा जाए, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलना चाहिए। ऐसा है, ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि उनके देखा ही नहीं जाए, देखना तो है आप, लेकिन उसकी गाइड उसको जानकारी देना है फीवर क्लिनिक में या जिसको रखता सस्पेक्टेड तो उसकी जानकारी दे दिया। ये कोविड टेस्ट किया था इन्होंने? कोविड टेस्ट कल करवाया गया था ना हॉस्पिटल में, वरदान हॉस्पिटल में किया गया था कि नहीं? सर वरदान हॉस्पिटल में फैसिलिटी है नहीं, वो वही भेजते हैं। एहतियात के तौर पर पूरा हॉस्पिटल सील होगा या रूम सील करेंगे? नहीं, पर्टिकुलर रूम, अब पूरा हॉस्पिटल सील करने का तो उचित नहीं बनता है क्योंकि वो पर्टिकुलर एक रूम में ही था वो। हम ये चाहते हैं, एक तो यहाँ पे भी पेशेंट निकल रहे हैं, बार बार गवर्नमेंट मापदंड जो है, मतलब कलेक्टर साहब ये तो निर्णय नहीं रह पा रहे हैं कि कहाँ अलग कहाँ अलग। कल जेलर साहब जैसे निकलते तो उनके लिए मान लो एक खाली बल्ली लगाते, दूसरा घर सील होते थे, ये अलग अलग मापदंड क्यों? केवल एक रूम सील करना है, सारा स्टाफ उनके संपर्क में, जो स्टाफ संपर्क में था उनके सैंपल लेने जाएंगे, जैसे डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे, तो इंजेक्शन को तरफ से अगर उन्होंने प्रिकॉशन लिया हो तो ठीक है, अगर नहीं लिया तो उनको हॉस्पिटल पूरा बंद होना चाहिए। तो भाई पूरी गली सील होएगा नहीं जाए तो?